हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के टाइटल से आपको पता चल ही गया कि आज मैं लोग साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आपने आम बहुत खाए होंगे लेकिन आपने कभी भी आम का फेस पैक ट्राई नहीं किया होगा। जी हाँ, तो आज मैं लोग साथ मैंगो फेस पैक लेकर के आऊँ। ये फेस पैक ना आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाएगा, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, साथ में जो एजिंग की प्रॉब्लम है तो उन सारे प्रॉब्लम को रिमूव करके आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें लेना है वो है आटा। जी हाँ, मैं यहाँ पे आटे का यूज कर रही हूँ, जिसे व्हीट फ्लॉर बोलते हैं। उसे हम लेंगे करीब 1 से 2 चम्मच के करीब। बात करूँ आटे की, तो आटे का यूज मैंने इससे पहले अपने फेस पैक में किया है। और आटा जो होता है हमारे स्किन को, सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा स्क्रबिंग का काम करता है। और आटे में ग्लूटाथायोन पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को लाइट बनाते हैं, जिसे बोलूँ नेचुरल स्किन वाइटनिंग का काम करते हैं। तो आपकी स्किन टोन को ये लाइट बनाता है, एक्सफोलिएट करता है, बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी चीज आप जो देख रहे हैं यहाँ पे वो है मैंगो प्यूरी। मैं यहाँ पे मैंगो प्यूरी का यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी आम का यूज कर सकते हैं। तो हमें जो इसका पेस्ट है इसमें ही बनाना है, तो हम इसका पेस्ट लेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब। जी हाँ दोस्तों, तीसरी चीज जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है हनी। हनी मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या कुछ बूंदे इसमें ऐड कर सकते हैं। और ड्राई है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब या 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। या अगर आप पानी नहीं ऐड करना चाहते, या जैसे मैंने कहा अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप इसमें मिल्क का यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा बढ़िया सा फेस मास्क बन करके तैयार है। और आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मैंने इसे गाढ़ी रखी है, बिल्कुल भी रनिंग नहीं रखी है, क्योंकि आपको इसको लगा करके मसाज करनी है। जी हाँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे हाथों का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथों से लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से इसे लगा करके मसाज कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल। और आपको प्रेशर नहीं डालना, आपको इसी तरीके से फिंगर टिप से यूज करना है, फिंगर टिप का यूज करना है, हथेलियों का यूज नहीं करना। इस तरीके से लेकर के आपको मसाज करनी है सिर्फ कुछ मिनट के लिए। आप 2 से 4 मिनटों के लिए, या मैक्सिमम आप 5 मिनट के लिए मसाज कर सकते हैं इसकी। इस तरीके से मसाज करके आपको इसे पैक की तरह लगा करके छोड़ देना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने मसाज कर ली है, और इसे अब हम लगा करके छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा कम्प्लीटली, तो उसे हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनटों के लिए इसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया, मेरे हाथों का काफी ज्यादा निखरा हुआ लग रहा है। जी हाँ, आप मेरे कहने पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, आप इस फेस मास्क को लगा करके देखिएगा और आप खुद फील करेंगे ये फेस मास्क बहुत ज्यादा अच्छा है। पहली बात करूँ तो ये स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट करता है और बहुत ज्यादा फ्रेश लगता है इस फेस मास्क को लगाने के बाद। स्मेल इसकी काफी अमेजिंग है। तो जिस तरह दोस्तों, ओवरऑल फेस मास्क बहुत अच्छा है, टीनेजर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल है। और बात करूँ आम की, तो आम जो होता है उसमें बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें जिंक है, कॉपर है, पोटेशियम है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। स्किन को कोलेजन बनाने के लिए इनकरेज करते हैं, मतलब इससे आपकी स्किन इलास्टिसिटी आती है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा यंग लगते हैं, ग्लोइंग आपकी स्किन लगती है। ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम अगर आपको है, या एक्ने की प्रॉब्लम है, तो इन सारी प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाते हैं। तो ये फेस मास्क बहुत अच्छा है, नेचुरल फेस मास्क। अगर आप मार्केट में मैंगो फेस पैक लेने जाओगे तो आपको काफी महंगे पड़ेंगे, कम से कम भी अगर आप लेने जाओगे तो 200 के आसपास आपको मिलेंगे। आजकल तो बहुत ज्यादा आप देखेंगे मैंगो क्रीम्स वगैरह भी चली हैं, मैंगो जेल चले हैं। तो इससे मैं कहूंगी अगर आप मार्केट का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरल चीजें आपको घर पे ही मिल रही हैं बिना पैसे खर्च किए, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आप इस फेस मास्क को ट्राई करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।